मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की बुक नविका। ठीक है बच्चों, ये है आपकी हिंदी की बुक नविका। इसका आज हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैं आपको पहली क्लास में भी बड़ी ऊ की मात्रा करवा चुकी हूँ और फर्स्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बड़ी ऊ की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए थे। आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए, बड़े ऊ की मात्रा होती है ये, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये होती है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए, फ और ल, ये वर्ड बनेगा फल। फल में से अगर हम फ के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा फूल। ऐसे ही द पे बड़े ऊ की मात्रा दूध, माँ पे बड़े ऊ की मात्रा मूली। जब हम बड़े ऊ की मात्रा को बोलते हैं मुँह से तो ये साउंड करता है ऊ, जैसे कि दूध, मूली, आलू, काजू, ऊ का प्रोनाउंसिएशन आता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमें आवाज़ कैसी सुनाई देती है, ऊ की मात्रा की। ठीक है, भालू, कबूतर, ब पे हमने ऊ की मात्रा लगाई, कबूतर। म, ज, द और र, ये चार वर्ड हैं जिसमें से हमने द पे ऊ की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया, म, ज, दूर, मजदूर। ऐसे ही तर, बज, कोई शब्द नहीं बना ये, तरबज क्या शब्द बना, कुछ भी नहीं बना। लेकिन यही अगर हम ब पर ऊ की मात्रा लगा दें तो हम क्या बनाएंगे इसे, तरबूज। ऐसे ही बच्चों, ये आपको वर्ड्स हैं कुछ यहाँ पर आपके दिए गए हैं, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पर ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं, दूर से लेके अमरूद तक ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और बोल कर देखने हैं। ठीक है, अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, बिना मात्रा के इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, सूरज निकला, डाल पर झूला पड़ गया। झूला कहाँ पड़ गया, डाल पर। नूतन झूला झूली, नूतन क्या कर रही है, झूला झूली। तीनों भी झूला झूला। पूनम फुलवारी गई, फूल चुनकर लाई। फुलवारी बच्चों मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे हम फूल उगाते हैं, जैसे कि एक फूलों की क्यारी होती है जहाँ बहुत सारे गमले होते हैं और उसमें बहुत सारे फूल उगते हैं। पूनम फुलवारी गई, फूल चुनकर लाई, वहाँ से कुछ फूल चुनकर लाई। जब भूख लगी तब दूध पीकर आलू पूरी खाए। जब भूख लगी तब क्या पिया, दूध और आलू पूरी खाए। दीपू क्या लाया, तरबूज व खरबूजा काट। दीपू को क्या कहा गया, दीपू ने क्या काटा, तरबूज व खरबूजा काट। ठीक है, अभी इसी से आधारित आपको आगे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, इसीलिए आपको ये कविता रीड कराई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, जिसमें से आपको आगे छोटे छोटे से वन वर्ड के आंसर दिए जाएंगे, इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, डमरू बजाता मदारी आया, ये एक पोयम है, कविता है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना भी है और लर्न भी करना है और ऑडियो में मुझे भेजना भी है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 23 हिंदी की बुक नविका, ये पोयम आपको, कविता आपको याद करनी है और मुझे ऑडियो भेजना है। डमरू बजाता मदारी आया, काला भालू साथ लाया। भालू झूम झूम कर नाचा, भालू घूम घूम कर नाचा। यहाँ ये काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज वर्क। ठीक है, ये आपका जो भी है व्याकरण का काम, ये सारा आपको मैं फिल कर कर इसकी फ़ोटो भी भेजूँगी और अभी इसको मैं आपको बता भी देती हूँ वीडियो। यहाँ आप लोग देखिए, ये ऊ की मात्रा है और आपके आसपास इसके, यहाँ आप सर्कल में देख रहे हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि ऊ की मात्रा, यहाँ शब्द जो है उसमें कोई मात्रा नहीं है। ये ऊ की मात्रा लगाकर आपको ये सब शब्द बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप लोग देखिए, सरज, सरज क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इसमें हम ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सूरज।
अमरद, इसमें हम र पे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमरूद। खजर, ज पे हम ऊ की मात्रा लगा देंगे तो खजूर। जता, जता क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एक शूज़ और जूता बना हुआ है, ज पे हम लोग ऊ की मात्रा लगाएंगे, जूता। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, झला, तो हम झ पर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा झूला। ठीक है, देखिए और सही शब्द के आगे टिक लगाइए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक आलू की पिक्चर बनी हुई है, काजू, भालू या आलू, तो हम आलू पर टिक करेंगे। ये क्या है, मूली बनी हुई है, दूध, भालू या मूली, तो हम मूली पर टिक करेंगे। ये तरबूज बना हुआ है, तो तरबूज, अमरूद या तराजू, तो हम तरबूज पर टिक करेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक चूहा बना हुआ है, चूहा, और उसके सामने लिखा हुआ है आलू, फूल और चूहा, तो हम लोग चूहा पे टिक करेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। आप लोग देखिए यहाँ लिखा है झूला कहाँ पड़ गया। अब आप लोगों ने अभी अभी यहाँ चैप्टर पढ़ा था कि झूला कहाँ पड़ गया, देखिए आपने अभी पीछे पेज पर ही पढ़ा है, डाल पर झूला पड़ गया, तो झूला कहाँ पड़ गया, डाल पर। ठीक है, सेकंड आप देखिए, आपसे पूछा गया पूनम क्या लाई, पूनम क्या लाई थी, पूनम फूल लाई, पूनम फूल लाई। ठीक है, दूसरा है फूल चुनकर लाई या फूल लाई। थर्ड है आपका नूतन ने क्या किया, नूतन ने क्या किया, नूतन ने क्या किया, नूतन झूला झूली, नूतन झूला झूली, इसमें हम लोग फिल करेंगे नूतन झूला झूली। और पूनम क्या लाई थी, पूनम फूल लाई। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, लास्ट है झूम झूम कर कौन नाचा। देखिए आप लोग कविता में, झूम झूम कर कौन नाचा था, सूरज निकला डाल पर झूला पड़ गया, टीनू भी झूला झूला, झूम झूम कर। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे भालू झूम झूम कर नाचा, कौन नाचा था झूम झूम कर, भालू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको यही फिल करना है। नेक्स्ट है आपका उचित मिलान कीजिए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं अमरूद, इसमें अमरूद लिखा हुआ है, अमरूद से आप अमरूद को मिला देंगे। फूलदान, ये रहा फूलदान, फूलदान को फूलदान से मिला देंगे। सूरज, ये है काजू, भालू और कबूतर। ऊ की मात्रा से बने झूले में रंग भरिए, इसमें आपको कलर करना है। आपको ये सारा वर्क कंप्लीट कर मुझे फ़ोटो क्लिक कर भेजनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉल कर पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।